नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग तो अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग जो है स्वस्थ नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो बहुत सारे लोग जो है बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, और वो लोग इलाज करा रहे हैं लेकिन उस इलाज का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो दवाई उन्हें नहीं लग रही है। तो मैं इसका एक सरल उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो 100% आप जो दवा खाएँगे, जिस इलाज के जो इलाज आप करवा रहे हैं, जिस चीज़ का दवा खा रहे हैं, वो दवा नहीं लग रही, तो इस उपाय को करने के बाद ही वो दवा जो है आपके शरीर को लगने लगेगा और आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। कुछ दिन में ही आप चमत्कार देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आपको करना क्या है और उस दवा को कैसे खाना है। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के पास, आपके घर में तो होगा हनुमान जी का तस्वीर जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं। घर में तो सभी के मंदिर होते हैं छोटा मोटा, तो उस मंदिर में जाना है, हनुमान जी के सामने आपको दिए जलाना है, और हाँ, अपनी दवा को भी वहाँ पर ले कर जाइए और एक गिलास पानी ले कर जाइए। ध्यान रहे कि पानी जो है हमेशा स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, और गिलास भी बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराना गिलास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दवा को वहाँ पर आप रख दीजिए, चाहे तो एक अच्छे से बर्तन रख दीजिए, बर्तन एकदम साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए, उस बर्तन आप रख दीजिए दवा को। उसके बाद दवा रखने के बाद और हम आप जो है एक मंत्र पढ़िएगा, उस मंत्र को मैं बताती हूँ। वो मंत्र जो है हनुमान चालीसा में ही आता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, और आपको 11 या 21 बार करना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। इस मंत्र का प्रयोग आपको 11 से 21 बार करना है। बोलने के बाद आपको वहाँ पे मतलब पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद आप जब दिए जलाने के बाद आपको इस मंत्र को बोल लेना है 11 से 21 बार। उसके बाद जब आपका दिया जो है ठंडा कर लीजिएगा, दिया जो है ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप वो दवा और पानी का ग्लास लेके सीधे अपने रूम में जाएंगे। और ध्यान रहे उस ग्लास का पानी किसी दूसरे ग्लास में पलट करके ही पिए, क्योंकि वो ग्लास बिल्कुल भी जूठा ना करे। और जो है अच्छे से उस दवा को पी लीजिए, दवा खप को खा लीजिएगा उस पानी के साथ। आपको यही नियम जो है बार बार फॉलो करना पड़ेगा। इसी उपाय को जो है बार बार कीजिए, मतलब हर दिन कीजिए। दिन तो सभी शुभ होते हैं, बजरंगबली का दिन मंगलवार और शनिवार को कहा जाता है, लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आप दिल से मानते हैं हनुमान जी को, तो आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। तो आप इसका ये उपाय करके देखिए। 100% मैं बोलती हूँ, आपकी जो भी बीमारी है, जो बीमारी से आप जूझ रहे हैं, अगर आपको दवा नहीं लग रहा है, तो ऐसा करने के बाद ही आप देखिएगा धीरे धीरे जो है परिवर्तन, लाइफ में जो चेंजेस है वो आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो है जो बहुत दिन से आप लंबे समय से जो बीमार चल रहे हैं, आपकी जो तबीयत है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जहाँ आपने इतनी सारी कोशिश किए हैं, वहाँ आप एक और कोशिश करके देखिए। आपका यकीन मानिए, आपका जो भी दुख और तकलीफ है, इस कोशिश से जो है कामयाब हो जाएगा। एक उपाय से जो है आपकी जो दवा है वो काम करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसमें बजरंग बली ने अपना आशीर्वाद दिया हुआ होगा। और उस दवा को खाने के बाद आप देखिएगा, उसको कंटिन्यू कीजिए, मतलब 11 दिन या फिर 21 दिन कंटिन्यू आप इस प्रोसेस को करके देखिए। देखिएगा प्रभाव जो है अपने आप पड़ने लगेगा, और आपकी तबीयत जो है धीरे धीरे जो है ठीक होने ही लगेगी। ये मत सोचिए कि एक बार ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी काम जो है एक बार अचानक ठीक नहीं होता है, उसको होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी चीज़ को प्रोसेस होने में थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, इसीलिए इंसान को थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के इस काम को कीजिएगा, इस उपाय को, और देखिएगा 11 से 21 दिन के अंदर आपकी तबीयत में अंतर का पता चल जाएगा, और फ़र्क जो है खुद आप अपने आँखों से देखेंगे। तब आपको सचमुच यकीन होगा कि तब आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी का आशीर्वाद जो है आपको मिला है, और उसी के वजह से आपकी तबीयत जो है धीरे धीरे ठीक हो रही है। पहले तो नहीं होती थी, लेकिन जब से आपने इस उपाय को किया है, इस मंत्र को पढ़ा है, तब से जो है आपकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर इंसान जो है निरोगी रहे, कोई भी रोग से पीड़ित ना रहे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है किसी को मैं देखती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए अच्छा सा उपाय लेके आऊँ, जिसको करने से जो है आपकी जो रोग और दुख तकलीफ है, आप जो बहुत दिन से जो बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।